अभी का सीन कुछ ऐसा है ना भाई के जैसा है कि तुम्हारा भाई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये जो प्रोफाइल देख रहे हो, मतलब डिज़ाइन जो बना हुआ है या व्हाटएवर कुछ भी बोल सकते हो, तो बहुत से लोग भाई कॉपी करते हैं। तो भाई आई विल सजेस्ट यू कॉपी मत करो, मेहनत करो, सीखो कैसे क्या प्रोसेस है। Hey you what's up everybody, it's me Prasad and welcome back to our channel। So guys, आज अपन इंस्टा से रिलेटेड कुछ हैक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपकी प्रोफाइल काफ़ी एट्रैक्टिव एंड कूल लगेंगी लगने लगेंगी। खैर तो आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं एंड इससे प्रोफाइल ग्रो भी करेगी और आपको दो तीन एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और चलते हैं फ़ोन के डिस्प्ले के ऊपर। सबसे पहले तो भाई हमें पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो एक वाइट पेपर मिलेगा, वाइट बैकग्राउंड, वो सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद आप कॉपी में जाना, उसके बाद 3.2 को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको टेक्स्ट में आना है, फिर जो मन आपको लिख देना, मैंने पहले से लिख रखा था तो इसलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। टेक्स्ट देने के बाद आप उसको एडजस्ट कर लेना अपने पेपर के हिसाब से और उसके बाद अपना फ़ोन स्टाइल अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, कलर चेंज करना चाहो जो आपको बेटर लगे। उसके बाद आप बैंड में आना, थोड़ा सा उसको माइनस कर देना, मिनिमम 10-12 का समथिंग। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हो, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसके बाद आप शैडो वगैरह भी शैडो दे देना, ज़्यादा सही रहता है। शैडो में जाने के बाद आप ब्लर को एकदम माइनस कर देना एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना आपका टेक्स्ट जो जिस हिसाब से है उस हिसाब से एंड टेक्स्ट का भाई साइज खुद से एडजस्ट कर लेना, मतलब फोन स्टाइल। और उसके बाद भाई कर लेते हैं फोटो को सेव और फिर चलते हैं। उसके बाद आते हैं अपन ग्रिड मेकर एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद आप ग्रिड मेकर में जाना, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको पिक्सआर्ट से जो आपने सेव किया था उसे सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा लोड लेने में टाइम लेता है। तो हमने जो पिक्सआर्ट सेव किया था उसे सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आपको 3:1 सेलेक्ट करके ओके कर देना है, उसके बाद सेव कर देना, ऐड वगैरह आता है। तो लो भाई रेडी आपका। सो चलते हैं इंस्टा पर एंड अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको गैलरी में आ जाना है, उसके बाद ग्रिड मेकर 3:1 आपको एक फाइल ऑटोमेटिक बन जाएगा, उसके बाद भाई सीरियल वाइज आपको अपलोड करना है, बता देता हूँ आपको यहीं। सो भाई लो रेडी हो चुका है एंड अब अपलोड करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल खुद से चेक करते हो कि कर सकते हो पहले क्या था और अब क्या हो चुका है। इससे मतलब काफ़ी एट्रैक्टिव प्रोफाइल हो जाता है भाई आपका, कुछ यूनिक अलग। सो आओ चलते हैं प्रोफाइल के ऊपर एंड भाई यहाँ तक अगर पहुँच गए हो तो एक थम्स अप दे दो और भाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सोच क्या रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब करो। आपका भाई ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता है। एंड थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। सो थैंक यू वंस अगेन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।